तो दोस्तों हम इस वीराने गांव में पहुंच चुके हैं। इस गांव का नाम है पूछो मत, तो मैं बताऊंगा नहीं। मैं बता दूं भाई, ये बताने वाला नहीं हो रहा है। पीठ के पीछे अगर लालिक दोस्त क्या हो चुका है। वो देखिए, एक अकेली तन्हा सी गाय जा रही है और एक सामने, और एक सामने से आड़ में छुपा सांड बाहर आ गया। हाय सांड भाई, हमें बगल बताइए। हमें बताते हुए शर्म नहीं आ रही, लेकिन डर तो लग रहा है। भाई बचपन बीता है भाई हमारा, सोच से शौच तक था पीछे। तुम्हारा बचपन बीता तो ठीक है भाई। यहाँ पे सीन थोड़ा ऐसा हो रहा है कि करण अर्जुन जा रहे हैं जॉगिंग के लिए। इनकी सुबह हो गई है, इनकी सुबह हो गई है। और ये हमारा शेरू, अरे शेरू, शेरू चाचा कहाँ है? हम आ गए हैं चंपारण की तलहटी में। राइट 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 राइट, अरे राइट कहाँ भैया, मंदिर में चढ़ो। मैं गाड़ी लगाते रहिए, कितनी दूर है यहाँ से? मैं भी मंदिर है भैया, ये लंबा लंबा रास्ता भाई। गाँव आ रहे हो तुम, एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ये सब चीजें? अरे सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माँ मैं वापस आ रहा हूँ। माँ मेरी शक्ति में गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये दुनिया बहुत खराब है। है कोई बदनाम है कोई, जीटीए इंडिया क्या है, जीटीए पंजाब। भैया ये कौन से रास्ते हैं? ये कौन सा पेड़ है भैया जिसमें एक भी पत्ती नहीं है? और ये कौन सा गांव है जहाँ एक भी आदमी नहीं है? अरे वो छोड़ो, यहाँ के गांव वाले इतने तत्पर हैं कि नल पे लोटा छोड़ के जाते हैं कि अगर आप बहुत अंडर प्रेशर हो तो आपको देरी बिल्कुल नहीं हो, बस खाली दो। अच्छा तो लोटा क्यों रखा है? और ये गार्ड भाई साहब टॉयलेट की क्यों निगरानी कर रहे हैं? हाँ सीधे राइट राइट राइट। अरे भैया रास्ता कहाँ है आगे? तो रास्ता नहीं है, के साथ चल रहा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग का एंड होता है। गुड नाइट।